दोस्तों आपको यह मैजिक कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बात रही इस मैजिक के ट्रिक का, तो आपको हम बताने जा रहे हैं। मैजिशियन अपने प्रोग्राम में एक ही ट्रिक को कई तरह से दिखा सकते हैं, उसी का यहाँ पे एक उदाहरण हम पेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम इस्तेमाल किए हैं एक अपेयरिंग केन का, यह केन है और इसे इसमें एक झंडा लगाकर, और पहला जो आपको मैजिक दिखाया है उसमें रिवर्स का इस्तेमाल किया गया है। रिवर्स का भी प्रचलन खूब है क्योंकि सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियो लोग डालते हैं, तो उनके लिए ये कारगर है कि यहाँ पे हमने इसमें तिरंगा लगा रखा था और तिरंगा यहाँ लगाने के बाद फिर इसको रिवर्स कर दिए हैं, इसको छोड़े हैं और फिर जो बाद में दिखाए हैं वह पहले हो गया है रिवर्स इस्तेमाल करने के बाद। अब चलिए नेक्स्ट ट्रिक हम कैसे दिखाए हैं उसे आपको बताते हैं। अब सेकेंड ट्रिक जो दिखाए है उसमें आप देखे हैं कि पहले एक रुमाल था और उस रुमाल से हमने तिरंगा बनाया है। यहाँ पर हम तीन रंग के रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये अपेयरिंग केन है या स्टील का है, अगर आपको इस तरह का केन चाहिए तो किसी मैजिक शॉप में मिल जाएगा। मेरा खुद का मैजिक शॉप है जिसका नाम है सुमन मैजिक शॉप, यहाँ पे नंबर 1694304051, इस पर कॉल करके आप किसी भी तरह के जादू का सामान अपने पास मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके। तो यहाँ इसके ऊपर में हम रुमाल बांध रहे हैं, यहाँ पे हम तीन कलर के भी रुमाल का इस्तेमाल कर सकते थे जो तिरंगा के लिए आता है। अब यहाँ पे रुमाल बांध दिए हैं दो कलर का, अब इसे ऐसे छोड़ेंगे, यहाँ पे तीसरा कलर मेरा है वाइट कलर, तो इसे छोड़ेंगे और फिर यह इसके अंदर छुप जाएगा। अब हम यहाँ पर तिरंगा बांधेंगे, इसके ऊपर यहाँ तिरंगा बांध दे रहे हैं, ओके इधर से बांध लीजिए। अब यहाँ पे क्या हमने किया है कि इस केन को ऐसे फोल्ड कर दिए हैं। फोल्ड कर देने के बाद यहाँ जो दो रुमाल है, इस दो रुमाल को सबको दिखाते हुए रखे हैं कि मेरे पास दो रुमाल है और ये तिरंगा मेरे हाथ के अंदर छुप गया था, इसे ऐसे छुपा कर रखे हैं। और छुपा कर रखने के बाद इसे ऐसे दिखाए हैं कि यहाँ दो रुमाल है और यह मेरे हाथ में था, और फिर इसे छोड़े हैं और यह रुमाल तिरंगा बन गया है। इसे ठीक अपोजिट करके हम छोड़े हैं, ये जो साइड है इसका ऐसे था, ऐसे छोड़ने से मेरा यह तिरंगा ऊपर चला जाता है। अब लास्ट ट्रिक जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन है, आपके पास जो भी तिरंगा है उसे भी इस खेल को दिखा सकते हैं। अगर आपको यह ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो तिरंगा है मेरे पास, इसमें हमने एक लगा रखा है इनविजिबल थ्रेड, यहाँ पे है एक अदृश्य धागा है जो कि हमने इसमें बांध कर रखा है। अब इसे हम कुछ इस तरह से सेट रखते हैं, पहले हम इस कोट को हटाएंगे, कोट को हटाने के बाद यहाँ पे इस उंगली में इस धागा को लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम इस कोट को पहनेंगे, पहनने के बाद मेरा यह मैजिक रेडी हो जाएगा। अब इसे ऐसे डालेंगे, ओके वेरी गुड, चलिए अब मेरा मैजिक रेडी है। अब कहीं भी हम खाली हाथ दिखाकर तिरंगे ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो धागा है इसे अब हम अंगूठे में इस तरह से छुपा लेते हैं, अंगूठे में छुपाने के बाद यहाँ पे ऐसे दिखाने से कुछ भी नहीं दिखेगा। अब फिर इस मुट्ठी को हम बांधते हैं और मुट्ठी को बांधने के बाद इस धागा को ऐसे हम खींचेंगे यहाँ से। अब यह कोर से यह बाहर आएगा और ऐसा लगेगा कि यह जो झंडा है यह मेरे मुट्ठी से बाहर आ रहा है यहाँ से, जबकि यह खुद यहाँ से आएगा बाहर कुछ इस तरह से, वाह। तो दोस्तों आज का यह ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 15 अगस्त आ रहा है तो उसमें आपको जो भी जादू दिखाना है उसका एक लिस्ट बना लीजिए कि हमको कितना मैजिक दिखाना है। देखिए आप 10 मिनट का शो कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि सब लोग आपका शो देखकर खुश हो जाए। 10 मिनट का शो बेटर है आधा घंटा के बोरिंग शो से। अगर आप आधा घंटा शो दिखाते हैं लेकिन लोग बोर हो जाते हैं तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। आप 10 मिनट ही दिखाइए, आप भले ही 10 आइटम दिखाइए लेकिन सबको ऐसा लगे कि वो मैजिक देखा है। तो मैजिक दिखाने से पहले उसका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी कर लीजिए, रिहर्सल भी कर लीजिए, और इसके बाद आप स्टेज के ऊपर जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में हम एक बेहतरीन मैजिशियन हैं और मैं एक बेहतरीन खेल दिखाऊंगा इन सभी लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खेल के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।